हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग वर्मा फ्रॉम यस साउंड और मैं बिलोंग करता हूं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सीधी से। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डीजे प्लस कंपनी का 6630 सीलिंग स्पीकर है यह, और आहूजा का डीपीए 570 यानी 570M ये 50 वाट का एम्पलीफायर है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये कैसा है। जैसा कि फ्रेंड्स, इसके बॉक्स में डीजे प्लस प्रोफेशनल की ब्रांडिंग दी हुई है और यह मॉडल नंबर लिखा हुआ है DCS6630 6W 100V सीलिंग स्पीकर। साथ में यहां पर मैं आपको एक चीज और जूम करके दिखाऊंगा, यहां पर ये लिखा हुआ है विथ डस्ट प्रोटेक्शन फिल्टर, ये लिखा हुआ है 100V के नीचे विथ डस्ट प्रोटेक्शन फिल्टर। यह मैं आपको जब बॉक्स ओपन करके स्पीकर दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा ये डस्ट प्रोटेक्शन कैसा है। तो फ्रेंड्स, मैंने बॉक्स से स्पीकर को निकाल लिया है और यह इसका सामने का लुक है। ग्रिल बहुत ही प्यारी दिख रही है, कलर भी इसका व्हाइट कलर, क्रीमी व्हाइट है, बहुत प्यारा लग रहा है। सामने आपको डीजे प्लस की ब्रांडिंग दिख रही है। अब मैं इसका पीछे दिखाता हूँ, पीछे इस पे क्या क्या है। इस पे यह ट्रांसफार्मर एक लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है डीजे प्लस सीलिंग स्पीकर 6W 100V। और इस पे यह आपका कॉमन ब्लैक कलर का वायर है और यह आपका ब्लू कलर का वायर 3W आउटपुट देगा और वाइट कलर का वायर जो है वह 6W आउटपुट देगा। और यह हमारा स्पीकर इनपुट है ट्रांसफार्मर से जो गया है, और हमें जो एम्पलीफायर से कनेक्शन देना है इस पे जो यह इनपुट का फंक्शन दिया हुआ है, ये पुश वाला सिस्टम दिया हुआ है, ये दबा करके हमें सिर्फ तार इसके अंदर डाल देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे अदर स्पीकर होते हैं उनमें हमें टेस्टर या पेचकस से जो है तो कनेक्शन करना पड़ता है, इस पे ऐसा कुछ नहीं, आप दबाइए और तार अंदर डाल दीजिए और निकलेगा नहीं। और ये इसके जो है तो ये सीलिंग में इसको जो है तो लॉक करने के लिए ये दिया हुआ है लॉक। और साथ में जो मैंने जैसा बोला डस्ट प्रोटेक्शन, तो आप देख सकते हैं ये स्पीकर के ऊपर यहाँ पर ये ग्रिल जो है नेट वाली ग्रिल लगी हुई, जाली लगी हुई है, ये इससे जो है तो डस्ट इस स्पीकर में नहीं जाएगी। अदर जो सीलिंग स्पीकर आते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, डायरेक्ट स्पीकर का यहाँ पर कोन दिखता रहता है, वहां से डस्ट जाती, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यह इस कंपनी की मुझे जो है तो ये जो है तो काफी अच्छी बात लगी कि कंपनी ने इस पर गौर किया कि डस्ट वगैरह इसके अंदर ना जाने पाए। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यह है हमारा आहूजा का 50 वाट का एम्पलीफायर। यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है पीए मिक्सर एम्पलीफायर डीपीए 570M इसका मॉडल नंबर है। 50 वाट आरएमएस आउटपुट देता है, 75 वाट मैक्सिमम आउटपुट है इसका, 3 माइक इनपुट एवं 1 ऑक्स इनपुट दिया हुआ है। साथ में बिल्ट इन MP3 प्लेयर विथ ब्लूटूथ, मतलब इस पे जो है तो USB MP3 प्लेयर विथ ब्लूटूथ दिया हुआ है। साथ में ये आपका 12 वोल्ट की बैटरी से और साथ में बिजली की सप्लाई से भी चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसे भी ओपन करके देखते हैं कि हमारा एम्पलीफायर कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, यह है हमारे एम्पलीफायर का फ्रंट लुक। यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है डीपीए 570M। ये पावर ऑन ऑफ स्विच है, ये मॉनिटर आउटपुट यानी जो ये एम्पलीफायर से अगर कोई भी सॉन्ग वगैरह प्ले होगा तो ये इंडिकेटर इंडिकेट करेगा, यह पावर का इंडिकेटर है। यह माइक का वॉल्यूम कंट्रोल है, इसके नीचे ये जो है तो माइक को लगाने के लिए यह सॉकेट लगा हुआ है, ये माइक 2 का है। इसी में साथ में आपका ऑक्स 2 भी चलेगा, मतलब माइक 2 के साथ ऑक्स भी चलेगा, यह ऑक्स सामने दिया हुआ है। और यह माइक 3 है, इसी के साथ में USB भी है इसी पे, जब हम USB साइड स्विच करेंगे तो USB ऑन होगा, मतलब USB पर बजेगा सॉन्ग जो भी USB में हम प्ले करेंगे या ब्लूटूथ से जो प्ले करेंगे, और माइक साइड करेंगे तो हमारा माइक वर्क करेगा, यह फंक्शन दिया हुआ है। तो चलिए इसके एम्पलीफायर को हम पीछे से भी देखते हैं, पीछे इस पे क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। पीछे इस एम्पलीफायर में यह आपका 6 एम्पियर का पावर कॉर्ड है जो कि फैलकन कंपनी का है। साथ में यहाँ पर 1 एम्पियर का फ्यूज दिया हुआ है, यह आपका अर्थ टर्मिनल है, यह 12V DC इनपुट के लिए यह सॉकेट दिया हुआ है। और यहाँ पर आपका कॉमन 4 ओम्स 8 ओम्स 16 ओम्स कनेक्शन करने के लिए दिया हुआ है। साथ में 100V जो कि हमारा जैसा सीलिंग स्पीकर जो मैंने आपको दिखाया वह हम इसी में इनपुट करके आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर यह लाइन आउटपुट दिया हुआ है, अगर इस एम्पलीफायर से अदर हम किसी एम्पलीफायर को कनेक्ट करना चाहते हैं, इसके आउटपुट देना चाहते हैं, तो यहाँ से आउटपुट से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, यह दिया हुआ है। तो
तो चलिए फ्रेंड्स हम इस पे सीलिंग स्पीकर कनेक्ट करके चेक करते हैं कि ये कैसा बजता है सीलिंग स्पीकर इस एम्पलीफायर में। ये मैंने अपने कस्टमर के लिए मंगाया है, 6 पीस स्पीकर इस एम्पलीफायर में चलाएंगे। और जैसा कि यह 50 वाट का एम्पलीफायर है और हमारा एक स्पीकर जो है वह 6 वाट का है, 6 स्पीकर यानी 36 वाट होता है, पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आउटपुट लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं एक स्पीकर बजा करके कि कैसा बजता है स्पीकर इस एम्पलीफायर में। तो फ्रेंड्स मैंने एम्पलीफायर को यह कॉमन और 100 वोल्ट में कनेक्ट कर लिया, साथ में मैंने इस सीलिंग स्पीकर को 3 वाट में अभी कनेक्ट किया है। यह हमारा ब्लैक वायर जो है, यह आपका यह कॉमन है, ब्लू वायर 3 वाट है और यह वाइट वायर जो है यह 6 वाट में है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। ये अभी मैंने स्पीकर को 3 वाट में कनेक्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे 6 वाट में यानी 6 वाट में कनेक्ट करके देखते हैं कि उस पे कैसा बजता है स्पीकर। ये मैं वायर निकाल रहा हूँ और मैं इसे दूसरे इस वायर उस पे सॉकेट पे डाल रहा हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर लिया है। ये हमारा वाइट कलर का वायर है जो कि 6 वाट है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 6 वाट वाइट कलर में। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं कि हमारा स्पीकर कैसा बजता है। मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ फिर से। तो फ्रेंड्स मैंने स्पीकर और एम्पलीफायर दोनों को टेस्ट किया। मुझे यह स्पीकर जो है डीजे प्लस का, यह 6 वाट में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी निकल रहा था, क्योंकि 6 वाट तो वाटेज ज़्यादा है तो आवाज़ अच्छी निकलेगी ही, और बेस ट्रेवल सब कुछ मुझे इस पे परफेक्ट मिल रहा था। इस स्पीकर को आप जो है तो अपने मॉल में, मीटिंग हॉल में, रेस्टोरेंट में, पैलेसेस में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए, या कि फिर आप अपना मीटिंग वगैरह में जो भी माइक्रोफोन यूज करते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्पीकर है, इसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस एम्पलीफायर के साथ में 6 स्पीकर बहुत ही बेहतरीन चलेंगे। तो मैं कस्टमर को जो है तो ये 50 वाट का एम्पलीफायर और 6 सीलिंग स्पीकर दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय, धन्यवाद।